माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार नगर परिषद नूरपुर के चौगान में बनी अवैध मस्जिद को गिरा दिया गया। गौरतलब है कि सिविल अस्पताल नूरपुर के सामने इस मस्जिद के निर्माण को लेकर निर्माण में जुटे मस्जिद संचालकों ने नगर परिषद से नक्शे को लेकर कोई भी मंजूरी नहीं ली थी और अवैध रूप से इसके निर्माण का कार्य चला हुआ था, जिसे लेकर परिषद ने स्टे ऑर्डर किया हुआ था। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी आरएस वर्मा ने बताया कि इस मस्जिद को गिराने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिए थे, जिसे लेकर विधायक नूरपुर, एसडीएम नूरपुर और सभी नगर परिषदों के साथ एक बैठक हुई थी, जिसके अनुसार कोर्ट के आदेशों की अनुपालना को लेकर मंथन किया गया था। उन्होंने कहा कि मस्जिद निर्माण कर रहे लोगों को निर्माण कार्य हटाने और गिराने का 2 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की, जिस कारण आज स्वयं उन्हें इस कार्यवाही को अंजाम देना पड़ा। ये जो कार्रवाई की गई है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार 6 तारीख को ये ऑर्डर किया गया था कि ये जो है इसके बारे में जो SLP दायर है, जो कंस्ट्रक्शन इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कुछ पार्ट पहले गिराया गया था, 2 शॉप्स वगैरह थी, और जो बाकी बचा है इसके बारे में चीफ जस्टिस अपने माननीय हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया डबल बेंच ने कि जल्दी ही इसकी कार्रवाई शुक्रवार तक इसकी हमारे ऑर्डर की कंप्लाइंस करके एफिडेविट फाइल किया जाए। कुछ नहीं है, मैंने माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर की वो मीटिंग हुई थी मंडे को, जिसमें SDM साहब, माननीय विधायक साहब और बाकी हमारे नगर परिषद के सदस्य बैठे थे तथा सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया था कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए और कम्प्लायंस, प्रॉपर कम्प्लायंस इसके हाईकोर्ट को दी जाए। 3 दिन टाइम, तो इनको टाइम दिया गया था, 2 दिन का टाइम दिया था, मंडे और ट्यूजडे, आज बुधवार है। तो आज हमें ये जो स्मार्टफोन निकाला, ये इन्होंने खुद निकाला, जाए ये इनको बोला था इन्होंने अपने आप निकाला हमारे सामने, उनको इतना टाइम 2 घंटे दे दिए इनको भी अपना सामान। गौरतलब है कि इससे पहले भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार इस भूमि पर बनी दुकानों को भी प्रशासन द्वारा गिराया गया था। परिषद ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने और सांप्रदायिक रूप न लेने को लेकर पुलिस बल की व्यवस्था की थी, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से इस कार्य को अंजाम दिया गया और अवैध निर्माण को गिराया गया।